नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है तरकुटी पर रेंगन या हलचल क्यों होती है। जब भी साधक ध्यान करता है तो उसे अपने आज्ञा चक्र, अपनी तिरकुटी पर गर्म लगना, दर्द होना, पीड़ा अनुभव होना, कुछ हलचल सी आज्ञा चक्र पे, तिरकुटी पे होना, कुछ रेंगने जैसा कुछ चल रहा हो जैसे ऐसे, या ऊपर नीचे धड़कन जैसा हो जाना, वाइब्रेशन महसूस होना, कुछ छलांग लगा रहा है अंदर बाहर, कुछ इस तरह से अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या ये होना ठीक है या गलत है, और ये क्यों होता है, क्या फ़ायदे हैं इसके, ये सभी आज हम जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जब भी साधक ध्यान करना शुरू करता है, वो एक एक घंटा रोज ध्यान में बैठता है, तब इस तरह की कुछ वो अपने त्रिकुटी पर हलचले महसूस करता है, कुछ उसके आगे चक्कर पे फुदकता है, धड़कता है दिल की तरह, जैसे वाइब्रेशन होता है, कुछ रेंग रहा हो, या सिर में दर्द होने लगता है, या वहाँ पे गर्माहट होने लगती है। तो इस तरह की समस्याएं कई साधकों को आती हैं जब वो ध्यान करते हैं, और दिन में जब वो ध्यान करने के बाद भी दिन में वो उसी समय नहीं बल्कि वो सारा दिन कभी कभी वो दर्द, वो फुदकन, वो धड़कन, वो वाइब्रेशन, वो रेंगन महसूस होती रहती है। कभी कभी सारा दिन महसूस होती है, कभी कभी कुछ घंटे छोड़ के होती है, तो कभी कभी जैसे पूरे दिन में दो चार बार ऐसा होता है कि आगे चक्कर पे कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा होता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये सिंपल तरीके से आज हम आपको बहुत ही आसान विधि से बताएंगे, और इससे कैसे छुटकारा पाना है, इसको क्या सही है क्या गलत है, वो सारा ही बताने जा रहे हैं। तो ये सभी साधकों के साथ ये अनुभव होता है, पहले ये बात जान लें। जितने भी साधक हैं उन सभी ने जब शुरुआत की है तो इस तरह के उनको अनुभव सभी को हुए हैं। आप अकेले नहीं हो कि सिर्फ आपको ही ऐसे आगे चक्कर पे इस तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है। ये सभी को ऊर्जा महसूस होती है आगे चक्कर पे, उनको एक अलग सी पावर, एक अलग सा पावर पुंज, शक्ति पुंज उनको त्रिकुटी पे महसूस होता है। तो ध्यान जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो साधक नहीं है उसका बाहरी तरफ सभी तरफ उसका ध्यान बिखरा होता है, वो पावर बिखरी होती है, वो ऊर्जा बिखरी होती है। कोई जॉब कर रहा है उसके ऊपर, कोई बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे कोई विचार आ रहे हैं, कुछ फैमिली के कुछ मैटर हैं, पारिवारिक कोई समस्या है, या पारिवारिक कोई खुशी है, कोई फंक्शन है, इस तरह से वो अलग अलग विचारों में सारा दिन उसके जो ऊर्जा है, ऊर्जा का पुंज है, वो सारी तरफ उसकी इच्छाओं, उसके विचारों में बिखरा होता है। लेकिन जैसे ही वो ध्यान करना शुरू करता है तो वो सारी ऊर्जा उसके आज्ञा चक्र पे आने लगती है। तो जब वो उसके आज्ञा चक्र पे ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू होती है, अपने आप केंद्रित होने लगती है, वहाँ पर सभी जगह से ऊर्जा इकट्ठी होकर पूरे शरीर से वो आपकी त्रिकुटी पर इकट्ठी होने लगेगी। जैसे जैसे आप एकाग्र होंगे वैसे वैसे वो ऊर्जा आपके उसी जगह पे केंद्रित होने लगेगी। अगर आप कहीं और, जैसे मान लो आप बैठे हैं तो आप चाहते हैं आपकी 10 उंगलियां हाथों की है, 10 पैरों की है, आपको चाहिए कि आप एक उंगली को, सबसे छोटी वाली दाएं हाथ की उंगली को हिलाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप वहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो वो उंगली आप हिला लेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने पूरी ऊर्जा का संकेत वहाँ पे केंद्रित कर दिया उस उंगली पे, वो उंगली हिल गई। ऐसे ही आप पैर की उंगली को हिलाना चाहें कि मेरी सबसे छोटी उंगली हिल जाए, या मेरा अंगूठा हिल जाए, तो जो भी आप चाहेंगे वो हिलेगा, क्योंकि आपका कंट्रोल उस ऊर्जा पे है। आप उस ऊर्जा को जहाँ भी, जिस भी चक्र पे ले जाना चाहते हैं वहाँ केंद्रित कर सकते हैं।
आपके सात चक्र जो मुख्य हैं, आपका पहला मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर आपका जो नाभि पे है वो मणिपुर चक्र है, और फिर आपके हृदय पे अनाहत चक्र है, और आपके गले पे विशुद्धि चक्र है, और आपके आगे चक्र पे आपका तीसरा नेत्र जो है आपका आगे चक्र है, और उसके बाद जो सहस्त्रार चक्र है। ये सातों जो चक्र हैं, इनमें किसी में भी जब आप ध्यान को केंद्रित करते हो तब इसमें वाइब्रेशन होनी, एक हलचल होनी शुरू होने लगती है। जैसे आपने हाथ को हिलाया उसकी हलचल हुई, पैर को हिलाया पैर की उंगली को तो हलचल हुई, ऐसे ही उस चक्र को पे भी इंटरनल तौर पे ऊर्जा जब आप भेजते हो तो वहाँ पे सक्रिय हो जाता है वो, और वहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होती है। ऐसे ही जब आप ये सारी ऊर्जा अपने त्रिकुटी पर भेज देते हो, अपने आगे चक्र पर भेज देते हो, तब वहाँ पे एक दरवाज़ा है, गुप्त दरवाज़ा जिसे हम बोलते हैं, दसम द्वार हम बोलते हैं, वो दरवाज़ा बंद हुआ होता है। वो जब वह ऊर्जा वहाँ पे जाती है तो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, दसम द्वार को मीन्स आपके खोलने की कोशिश करती है, और उस खोलने की कोशिश में आपको इस तरह के अनुभव होते हैं। जैसे आप देख लें आपके घर में दरवाज़ा है और वो बंद है, आप बाहर से उसे खोलना चाहते हैं तो आप उसे धक्का लगाते हैं, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, अगर नहीं खुलता तो आप लकड़ी का कुछ और लेकर या कोई हथौड़ा लेकर या कोई और वस्तु लेकर उसे बार बार खोलते हैं, बस वो जाम है, दरवाज़ा खुला तो हुआ ही है, जाम है बस रास्ते से। जैसे ही आप बार बार अपने ध्यान की ऊर्जा को वहाँ पे लाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह से वो ऊर्जा से धक्का लगता है दरवाजे पे, तब आपको उस वहाँ पे रेंगना, वहाँ पे चींटी का चलना, वहाँ पे जलन होना, वहाँ पे दर्द होना, वहाँ पे गुदगुदी होनी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे होने लगती हैं। जब ये दरवाज़ा खुल जाता है तब ये शांत हो जाती हैं, ये चीज़ें आपके साथ फिर नहीं होती हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं इसका मतलब यही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, ये अनुभव आपके हो रहे हैं, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये होंगे तभी आपको पता लगेगा कि दरवाज़ा आपका खुल रहा है। ये अनुभव उसी को होते हैं जो जो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, होने दें, क्योंकि ये चीज़ें आप जब अपने गुरु से शेयर करोगे या आप हमें ऑनलाइन भेजते हो या आप हमें कमेंट में लिखते हो तब हमें पता लगता है, तो हम उसका उत्तर देते हैं। अगर आपके कोई और फिजिकल गुरु हैं तो आप उनसे भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हो, वो भी आपको इसका उत्तर बताएंगे। तो जब ये त्रिकुटी का दरवाज़ा खुल जाता है तो सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं, आपके भीतर नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं, आपकी सूक्ष्म शक्तियाँ जाग जाती हैं, आपका सूक्ष्म शक्तियों के साथ संबंध बनने लग जाता है, आपका ज्ञान जो है वो ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। तो ये जो है सांस आपकी गर्म हो रही है, सांस आपकी ठंडी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, इसका कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे ये अपने आप जैसे जैसे ये समय बीतेगा अपने आप ये सब शांत और आराम से हो जाएगा। आपने इसको ज़्यादा जोर भी नहीं देना है कि आप ज़्यादा जोर दे के करें, आप बिल्कुल शांति आराम से सहजता से करें, ये अपने आप दरवाज़ा फिर खुल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस वीडियो को जो भी व्यक्ति ध्यान साधना आपके दोस्त मित्र कर रहे हैं उन तक पहुंचा दें, क्योंकि जब उनको ये अनुभव होते हैं तो उनका कोई अगर उत्तर दे दे तो उनको पता लग जाता है, आगे का मार्गदर्शन उनका हो जाता है। तो आप इसमें सहयोग करें, इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र को पहुँचाएँ जो ध्यान साधना कर रहे हैं। तो अगर और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, ताकि और भी कोई आपको जानकारी चाहिए हो या हम आपको कोई नई जानकारी भेजते हैं आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।